collection for Palestine, and then even said that you're going to donate, glamorize the genocide with all these beautiful models with. ये है आपका LGBTQ माफिया, और ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरी जरूरत हुई कि मैंने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई और फंड रेजर किया। ये लोग कौन है? रीना गनी, औरत मार्च या सॉरी ट्रांसजेंडर या LGBTQ मार्च की ऑर्गेनाइजर, और हमारी फेवरेट दो मुइज बेटा और शहजाद बेटा जो औरत बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये आपकी तरबियत और ये आपकी खलीज बातें सुन के मैं डर जाऊंगी और मैं कुछ नहीं कहूंगी? तो आपको शायद ईमान का नहीं पता। ईमान वो है कि ए अल्लाह मेरी जान, मेरा माल, मेरी इज्जत और जिल्लत तेरे हवाले। तो इस ईमान के साथ आपको लगता है कि गंदी बातें करके और पर्सनल अटैक्स को देख के मैं चुप हो जाऊंगी? नहीं, मैं कभी चुप नहीं होंगी। बल्कि पाकिस्तान के माँ बाप आप सबको मुबारक हो, PTA ने बरसक ड्रामे का URL हटा दिया है पाकिस्तान में, एंड Z5 तो पहले से ही बैन था पाकिस्तान में। सो हम सारे माँ बाप, पाकिस्तानी माँ बाप मिलकर इस एजेंडे के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। आज हमने, आपने और मैंने मिलकर फलस्तीन के लिए 2 करोड़ और 2 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। अभी हमारी सेल जारी है और जो जो सेल होती जाएगी हम स्कूल में डालते रहेंगे, लेकिन मुझे आपकी राय की जरूरत है। आपको पता है ये पैसा आपकी अमानत है। आपने और हमने मिलकर ये अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए चैरिटी इकट्ठी की है। तो हमने 4 ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया है जिसमें से जिनको जितने पैसे जाएंगे ये कीमत हुई है। इंशाल्लाह हम एक और कलेक्शन बनाएंगे फलस्तीन 2, जिसमें हम और पैसा इकट्ठा करेंगे। हम अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। इस पोल में हिस्सा लें और अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएं।